जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो एक वशीकरण सावर मंत्र है। और इतना तीव्र वशीकरण सावर मंत्र है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। केवल एक दिन का प्रयोग है और एक दिन के प्रयोग में आप पूर्ण रूप से अपने किसी भी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, इस आपका पति हो, पत्नी हो, मतलब कि उसको पूर्ण रूप से आप अपने वश में कर सकते हैं। तुरंत के तुरंत असर दिखाएगा ये प्रयोग। अब इस प्रयोग को आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी मुझे कमेंट किया था एक व्यक्ति, कुछ मेरे व्यूवर्स ने ही, कि जी मैंने समझा था कि ये हिंदू सनातनी मंत्र है लेकिन ये तो एक मुस्लिम मंत्र है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि मंत्र की कोई ना तो जाति होती है ना ही कोई उसका धर्म होता है। मंत्र मंत्र होता है। सावर मंत्र मुस्लिम पद्धति में भी हैं, जैन पद्धति में भी हैं और आपके हिंदू पद्धति में भी हैं और दूसरे बंगला में भी हैं। हर तरह से आप अगर देखेंगे तो सभी भाषाओं में सावर मंत्र हैं और उन सावर मंत्रों में प्रत्येक भाषाओं से मिला करके पंचमेल खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना, उनको करके और सावर मंत्र बनाए भी जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये मुस्लिम सावर मंत्र हैं तो इसको हम कर ही नहीं सकते। भाई जिन, अगर आप हिंदू हैं और किसी जिन या जन्नात की साधना करते हैं तो भाई वो भी तो मुस्लिम ही होता है, फिर साधना क्यों करते हो आप? या फिर कहीं मज़ार पे जाकर के क्यों चादर चढ़ाते हो? तो कहने का मतलब ये है कि आपके जब तक ये धार्मिक विचार जो हैं आप अपने अंदर से इस तरह के निकाल लिए बाहर, वो एक अलग चीज़ है कि भाई आप किसी हिंदू मुस्लिम में कोई भेद फर्क करते हैं, लेकिन मंत्रों के माध्यम से कि भाई कौन सा मंत्र है इनमें कोई भेद नहीं होता। सावर मंत्र होता है। आप सावर मंत्र का प्रयोग करें और अच्छे से प्रयोग करें, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सावर मंत्र है ये बहुत तीव्र है और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कभी भी आपको दुरुपयोग नहीं करना है। अगर दुरुपयोग आप करेंगे तो फिर आप जो आपको जो पाप लगेगा या जो भी आपको सज़ा फिर मिलनी है वो आप ही जानेंगे उस चीज़ को। इसमें किसी और का कोई भी लेस मात्र, कोई भी किसी प्रकार का भी दखलंदाजी नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, तो देखिए इस साबर मंत्र के बारे में एक छोटी सी कथा भी प्रचलित है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाह ने मेहरुन्निसा जो थी वो सबसे अधिक सुंदर और आकर्षक राजकुमारी थी। उसके शरीर में यौवन तो आया था लेकिन उसका अद्वितीय रूप निखर आया था। जो भी उसे देखता था वो देखता का देखता रह जाता था, परंतु उसको जरूरत से ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि वह मुस्लिम शासन में प्रतिबंध बहुत होते हैं इन लोगों पर। तो बाहर जाने की भी उसको सख्त मनाही थी। बिना बादशाह के पूछे उसे कोई भी नहीं मिल सकता था। स्त्री अंगरक्षकों के हाथों में नंगी तलवारें रहती थी और पहरा रहता था मेहरुन्निसा के मकान के चारों तरफ। परंतु मेहरुन्निसा एक युवक को अपना दिल दे बैठी थी। वो इतना सख्त पहरा होने के बावजूद भी उसने एक ऐसी युक्ति निकाली कि वो 2-3 घंटे अपने प्रेमी से मिल सकती थी। उसकी एक अभिन्न सहेली थी जिसका नाम नूर था। इस मामले में वो बहुत अधिक चतुर थी। उसने उस युवक को मेहरुन्निसा का संदेश कई बार दिया, लेकिन उस युवक को कोई भय भी नहीं था। वो बहादुर था और अपनी बहादुरी का प्रमाण उसने कई बार दिया भी था, परंतु उसके मन को जीतना आसान नहीं था। तो नूर के द्वारा जो दिया गया प्रस्ताव था उसने उसको ठुकरा दिया और ये देख कर के मेहरुन्निसा का जो दिल टूट गया। उसके बाद भी उसने कई प्रयत्न किए कि भाई ये मेरे वशीकरण में आ जाए, कई संदेश भिजवाए, लेकिन उस युवक का दिल नहीं पसीजा। तो अब उन्हीं दिनों की बात है कि यासीन नाम का की एक बुढ़िया थी, वो मेहरुन्निसा के संपर्क में आई। तो नूर ने क्या करा, सारी बात जो है अपनी उस यासीन को बताई।
अब यास्मीन ने क्या किया कि यास्मीन ने कहा कि भाई एक फ़कीर मेरी नज़र में है और वो इससे संबंधित जो फल है उसका माहिर है, यदि वह वशीकरण प्रयोग कर दे तो पत्थर दिल इंसान भी जो वश में हो जाए और आंचल से बंधा हुआ चला आएगा। तो मैरिनुसा ने कहा कि यदि ऐसा है, ऐसा हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है और मैं तुझे मोतियों में तोल दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ऐसा उपाय करवा। तो यास्मीन ने उस समय का जो प्रसिद्ध फ़कीर था नबीबुल्ला उसके पास गई, उसने कहा कि एक ऐसा वशीकरण करवाना है जो जीवन भर साथ निभा सके, साथ में बंधा रहे तो उसका जो प्रभाव तुरंत हो। और तो उस नबी ने वशीकरण काजल एक तैयार किया और यासीन को दे दिया, यास्मीन को। तो मेहरुनिसा ने उसे अपनी आँखों में वो काजल लगाया और उसके बताए हुए तरीके से उसने वो काम किया। तो शाम को जब नूर संदेश लेकर के युवक के पास गई तो युवक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और उसके साथ चला आया। इसके बाद उस युवक ने प्रेम की जो मिसाल कायम की वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है, अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो। खैर, जो उसने प्रयोग किया वो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ आज, और ये बहुत ही गोपनीय प्रयोग रहा है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ही एक दूसरे को चलते रहे हैं। तो एक ऐसा काजल तैयार करना कि जो किसी भी व्यक्ति को, स्त्री को अगर लगा दिया जाए तो वो तुरंत ही आपके प्रभाव में आ जाएगा। अब इस साधना को करने के लिए आपको देखिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें, एक तो नूरानी यंत्र होगा जो कि ताबीज़ के आकार का होगा, ठीक है, और एक हकीक की माला होगी जिससे आप मंत्र जाप करोगे। केवल एक दिन का काम है ये, एक दिन का, उसके बाद आपको बार बार ये प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो सामग्री है ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होगी। इस सामग्री को लेने के लिए अगर आप चाहते हैं इसका करना तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामग्री आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल भी आप डर भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखना अपने मन में कि भाई हम पैसे दे दे सामग्री ना मिले हमारा पैसा मर जाए, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होने वाला है, 101% मिलेगी, ठीक है। जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाएगी तो आपको एक काम और करना है, एक काजल की डिब्बी आपको लेनी है, या तो आप बाज़ार से ले लें काजल की डिब्बी ले लें और या फिर अपने घर में ही काजल बना लें, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा कि आप लाल आसन बिछा करके शुक्रवार के दिन आपको प्रयोग करना है, शुक्रवार को, ठीक है। और ये प्रयोग आपको किसी भी वक्त कर सकते हो, चाहे आप रात्रि में करो या दिन में करो। लाल आसन नीचे बिछा लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और लाल ही कपड़े आप पहन लें, स्त्री हैं तो लाल साड़ी पहन लें, पुरुष हो तो फिर लाल को वस्त्र, आप धोती वगैरह जो भी है वो आप लाल वस्त्र के पहने इसमें, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और सामने चौकी पर एक प्लेट ले लें, ठीक है, और जो काजल आप लेके आए ना उस काजल से आपको उस प्लेट के बीचों बीच आपको लिखना है रहीम जो खंत, ये शब्द आपको बिल्कुल बीचों बीच आपको लिखना है काजल से। किसी भी लकड़ी की सहायता से लिख लें आप, कोई भी लकड़ी ले लें या माचिस की तीली से आप उस पात्र में लिख लें, पात्र चाहे स्टील का हो, तांबे का हो, किसी प्रकार का हो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा कि उसके बिल्कुल पात्र के बीचम बीच लिखेंगे आप, और उसके जहाँ लिखेंगे उसके ऊपर ही आपको उस नूरानी यंत्र को आपको रख देना है, और एक काजल की डिब्बी जो है वो आप उसके वहीं पास में ही रख दें, ठीक है। एक तेल का दीपक लगाएं, सरसों के तेल का, और सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रखें, जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं है। चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है, चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, चाहे आपने आपके गुरु कोई भी हैं, जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको उनकी तस्वीर सामने रखें, ठीक है। और कुछ पुष्प ले लें लाल रंग के,
चढ़ाने के लिए अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास में है वो ले लें। लोबान की हो तो बड़ी अच्छी बात है, लोबान की अगरबत्ती। और फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का पूजन आप टीका लगाएंगे, सिंदूर का, लाल रंग का जो सिंदूर होता है या कुमकुम होती है उसका टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, ठीक है, और गुरु जी को धूप दीप दें। कहने का मतलब ये है कि गुरु जी से हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और इसके बाद अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है भाई, अगर अपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की प्रतिमा आपके सामने होनी चाहिए और फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक माला का जाप आप कर लें, ठीक है। जब आप एक माला का जाप कर लेंगे तो ये साबर मंत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी साबर मंत्र आप सिद्ध करते हैं तो उस साबर मंत्र का जाप करने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र होता है ना, ये आपकी रक्षा भी करता है, आपका जो साबर मंत्र जिसका आप जाप करेंगे, जिसको आपको सिद्ध करना है, उसको सिद्ध होने में इस साबर मंत्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो भी सरलता से आपका सिद्ध हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। अब ये जो साबर मंत्र है ये आपको किस प्रकार से जपना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, ज़्यादा नहीं, 21 बार कर लें बस। और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको हकीक की माला से जो मुख्य मंत्र है फिर आपको वो जपना है। अब वो मंत्र कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये मंत्र इस प्रकार से है, माँ बादशाह सब बादशाहों के बादशाह, सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद पाखर, जिस पर चढ़े जिन्नों के बादशाह, 12 कोस आगाड़ी 12 कोस पिछाड़ी, जो कुछ काम कहूँ बजा लेवे, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, फुरु मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र ये है और इस मंत्र की कम से कम आपको 11 माला का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। 11 माला का जाप आपका इस मंत्र का हो जाना चाहिए। और इस मंत्र में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि वहाँ पर एक मंत्र और भी आया था, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जी इसमें लास्ट में दिया है मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, जबकि होना चाहिए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। देखिए ये साबर मंत्र है, साबर मंत्र में तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी देवताओं को जो है दुहाई नहीं देनी चाहिए, देवताओं को तो गाली दी जाती है साबर मंत्र में। तो फिर आप साबर मंत्रों के बारे में बिल्कुल भी सोच विचार ना करें, जैसा है वैसा ही उसको जपें बस, उसी में साबर मंत्र सिद्ध होता है। अपनी तरफ से सोचोगे, अर्थ निकालने की बात करोगे तो भाई फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपनी बुद्धि को आप वहीं तक सीमित चला सकते हो बस, जहां तक है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बुद्धि होती ना तो साबर मंत्र आप रचयिता हो जाते। तो इसलिए केवल जैसा है, जैसे साबर मंत्र के रचनाकारों ने जो रचे हैं और उनको आजमाया है, उनको प्रयोग किया है, तो उसको वैसा ही जपें, ठीक है। अब जब इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे
उसके बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, जाप करने के बाद जो यंत्र है ताबीज रूप में, उसको क्या करना है आपको, उसको किसी भी डिब्बी में बंद करके अपने जेब में भी आप रख सकते हैं, या फिर किसी काले धागे में या लाल धागे में प्रो करके अपने गले में भी उसको धारण कर सकते हैं। और जिसको प्रयोग करना है वो अपनी आंखों में उस डिब्बी वाले काजल को लगाए, ठीक है, थोड़ा सा काजल लगाए, और फिर किसी भी व्यक्ति पर जिसको वश में करना है उस व्यक्ति के या तो कपड़ों में या फिर उसके शरीर पर किसी भी प्रकार से वो काजल छुआ दे, मतलब कि उसको लगा दे उस काजल को, तो आप देखेंगे कि चुपके से आपको लगाना है, चाहे आप कपड़ों में लगा दो हल्का सा। तो ऐसा होते ही उस प्रेमिका या प्रेमिका का मन परिवर्तन हो जाएगा और वो 24 घंटे या तो प्रेमी नजर आएगा या प्रेमिका नजर आएगी या पति नजर आएगा या पत्नी नजर आएगी। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली प्रयोग है। लेकिन जिसने अपनी आंखों में काजल लगाया है और वो उसी के वश में होगी। अब इसको ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया कि आप किसी दूसरे को भी ये काजल दे सकते हैं कि भाई, अगर मान लिया आपने किसी दूसरे को यह काजल दिया और उसने अपनी आंखों में उसको काजल को लगा करके और थोड़ा सा अगर किसी दूसरे को लगा दिया तो वो भी उसके वशीकरण में आ जाएगा, मतलब कि प्रयोग वो भी कर सकता है इसको। तो ऐसा प्रयोग आप करके भी किसी दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काजल जो है आपको थोड़ा सा लगाना है। अब चाहे आप किसी भी युक्ति से उसको लगा दें, ऐसा नहीं है कि पूरा उसका पोतना है, थोड़ा सा टीका सा लग जाए बस उसको, और प्यार आपस में मजबूत होता है फिर उनका। अगर पति पत्नी है, खटपट रहती है, तो भाई प्रयोग कर सकते हो। पत्नी नहीं आ रही है, ससुराल से अपने घर चली गई है, या पति पत्नी को जो है मतलब छोड़ करके इधर उधर घूमता है, तो प्रयोग करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर वार्निंग देता हूं कि यूज एंड थ्रो ये वाली नीति पर काम मत करना इस मंत्र को लेकर के, वरना बेटे फंस जाओगे और दंड भुगतना पड़ेगा। यूज एंड थ्रो वाली नीति नहीं अपनानी है आपको, ठीक है। और इस साधना को एक ही दिन की साधना है, बस एक ही दिन में आपका सारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।